अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सकें, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चलो अब्बा के पास इतने पैसे, अब्बा अपने घर क्यों बेच दिए? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहां घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए। घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे, मॉडल स्टील। आओ एक मजबूत घर बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मियां। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीर तक के इस सफ़र में मेड इन पाकिस्तान एंड बिलीव इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ, पावर्ड बाय मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि एशियन ट्रेड टीवी की रवायत है कि हम हमेशा आपसे ऐसी पर्सनैलिटीज़ को, ऐसे स्टार्स को मिलवाते हैं जिन्होंने ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में एक नाम और मुकाम बनाया होता है, और यही पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है जो हमें दिखाना है दुनिया को। आज इसी सिलसिले में मेरे साथ हमेशा की तरह, आज मेरी 145 एपिसोड होने जा रही है, और हमेशा की तरह एक ऐसे अनमोल शख्स कहूँ अगर मैं, या उस्ताद कहूँ उनको मैं, या मैं उनके लिए कौन से वर्ड यूज़ करूँ, शायद वर्ड्स कम पड़ जाएंगे, उनका तारुफ शायद उनसे बड़ा है। उनके शख्सियत के बहुत सारे पहलू हैं। अगर मैं सबसे बड़ी बात बतौर इंसान अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही उमदा शख्सियत के मालिक है। उसके बाद अगर उनके करियर की बात करूँ, बीइंग ए प्रोफेशनल, वो जनाब अली वो एक राइटर भी है, उनको एडिटर भी कह सकते हैं, राइटर भी है और फनकार तो है ही है, वो वी लॉगर भी हैं आजकल। इसके अलावा उनकी ज़िंदगी में एक नमाया पहलू जो है, अगर किसी ने इश्फाक साहब को समझना हो और इश्फाक साहब की फ़िलासफ़ी को समझना हो तो जनाब वो आज के दौरे हाजिर में इश्फाक के जाने के बाद उनकी फ़िलासफ़ी को लेकर चलने वाला अगर कोई शख्स है, अगर मैं अपने सराउंडिंग में देखूं तो वो एक शख्स है, और वो है इफ्तिहार अहमद उस्मानी, इफ्तिहार इफ़ी साहब। मेरे साथ आज ख्वाबों से तबीर तक इस सफ़र में मौजूद है इफ्तिहार इफ़ी साहब। समझ गए होंगे किसी तारुफ के मुहताज नहीं, कभी वो कमाली है तो कभी वो इफ्तिहार है। आज इफ्तिहार साहब मेरे साथ ख्वाबों से तबीर तक के सफ़र में हैं, जो यह सफ़र बहुत हसीन होने वाला है। हम जानेंगे आज उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। वेलकम टू माय शो इफ्तिहार साहब, ख्वाबों से तबीर तक के सफ़र में खुश आमदेद, पावर्ड बाय मॉडल स्टील ऑफ ग्रुप ऑफ कंपनीज। सर, मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि ख्वाबों से तबीर का ये सफ़र में आज मेरे साथ है। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि संत नगर से चलने वाला लड़का कमाली तक कैसे पहुंचा? और ये सफ़र इतना आसान नहीं है। अगर लोग आज इफ्तिहार उस्मानी को समझते हैं या इफ्तिहार इफ़ी को समझते हैं कि वो अचानक से बन गया है या अचानक से आ गया है, उसके सक्सेस के पीछे एक बहुत लंबी काविश है, वो बहुत कम लोग जानते हैं। तो ख्वाबों से तबीर तक का ये सफ़र है ही उसी काविश को आगे लाने का नाम। तो आज मैं जानना चाहूँगा इफ्तिहार इफ़ी असल में है क्या, और संत नगर लाहौर में पलने वाला जवान होने वाला लड़का वो इश्फाक साहब तक कैसे पहुँच गया, प्लीज़। अच्छा, आपने बहुत सारे सवाल कर दिए, बल्कि संत नगर का नाम लेंगे तो फिर एक ही सवाल काफ़ी है, प्रोग्राम छोटा हो जाएगा और टाइम कम हो जाएगा, प्रोग्राम लंबा हो जाएगा। दरअसल मैं संत नगर में पैदा हुआ, और संत नगर बहुत पुराना एक इलाका है जहाँ पर 47 से बहुत पहले से लोग आबाद थे। तो मेरे जो अब वाले साहब हैं वो एक बहुत छोटे सरकारी मुलाजिम थे, तो हमारा जो बचपन था वो हसरतों और ख्वाहिशों और बस कुछ महरूमियों के दरमियान गुजरा। तो हम बड़े होते चले गए। एक वक्त आया कि मैं गुजर रहा था माल रोड से, मेरे अब्बा जी ने मुझे एक मोटरसाइकिल दिलवा दी थी, तो हम जा रहे थे फोर्ट्रेस स्टेडियम। उस वक्त हमारी जो एंटरटेनमेंट थी वो ये थी कि फोर्ट्रेस चले गए, बस और कुछ था नहीं। लास्ट नुमाइश देख ली और देख ली।
तो हम वहां जा रहे थे तो रास्ते में मैं और आपकी रिकॉर्डिंग हो रही थी। पीटीवी का एक शो हुआ करता था, इसमें सलीम ताहिर साहब सवाल प्रोड्यूसर थे। पहला कॉन्सेप्ट उन्होंने शुरू किया था ये रोड शो का, तो उन्होंने वो सवाल कर रहे थे तो उन्होंने माइक मेरे आगे कर दिया, तो मैंने भी एक जवाब दे दिया और हम भूल गए। तीन चार दिन के बाद मैं एक दिन सुबह को सो के उठा हूँ, मैं जॉगिंग करने, क्योंकि फजर की नमाज के बाद हम जॉगिंग करने जाते थे नेहरू पार्क में, जिसको अफगान पार्क उसका नाम रख दिया। तो जो मिले कहते राती थी टीवी से देखा, राती थी टीवी से देखा, बड़ा अच्छा गाँव है। तो वहाँ से गई क्योंकि पूरे बाल थे, जवानी थी, खूबसूरती थी, तो देर में आ गई यार क्यों ना मैं ये काम शुरू कर दूँ, मैं एक्टिंग की तरफ आ जाऊँ। लेकिन अब कुछ पता तो था नहीं कि एक्टिंग कैसे करनी है, कहाँ से करनी है। तो उन दिनों एक खबर पढ़ी मैंने कि जावेद फाजिल कोई डायरेक्शन कर रहे हैं किसी ड्रामे की, और उसकी कास्टिंग के लिए वो कोई ऑडिशन कर रहे हैं। अब हमें सालों कट्ठा सवा पता किसे ऑडिशन होना की होना। पहले एक दफ़ा मैं टीवी गया, पीटीवी, वहाँ अंदर किसी ने जाने नहीं दिया हमें, तो हमने एक सिफारिश करवा के पीटीवी के अंदर होकर हम आ गए थे। तो जब मैंने पढ़ी वो खबर की कि ऑडिशन हो रहे हैं, अब हमें पता था नहीं कि कैसे जाना है, तो किसी ने बताया कि एक इदारा है ABC बड़ाई साहब का, तो हम वहाँ चले गए, एजाज बड़ाई साहब वहाँ होते थे। अब वहाँ गए तो रिसेप्शन के ऊपर मैडम तस्नीम अरूज नासिर की वालदा मुंत, अच्छा वो बैठी हुई थी, और मैं गया वहाँ जाके सलाम किया। उन्होंने बड़े प्यार से पूछा कि कैसे आए हो, तो मैंने बताया जी ऐसे से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं एक्टिंग करूँ। अच्छा हुआ ये था, मैं एक चीज़ स्किप कर गया बताने में, जब जब ये सारा हुआ ना मामला कि हम चले टीवी के ऊपर और थोड़े से लोगों ने पहचाना, तो हम ढूंढते ढूंढते पहुंच गए गोयथे इंस्टीट्यूट, जहाँ चनवन है ना जी जी, यहाँ इंस्टीट्यूट हुआ करता था ओके गुलबर्ग में। हमने वहाँ गए तो वहाँ क्लासेस हो रही थी एक्टिंग की, हम एक्टिंग क्लासेस करने लग गए। वहाँ से इमरान पीरजादा हमारे मेरे उस्ताद है, तो वो मुझे ले गए। अच्छा इमरान पीरजादा? हाँ जी, रफी पीर थिएटर में। हाँ हाँ भाई, हाँ हमने उस वक्त तक रफी पीर थिएटर का मैंने एक दो ड्रामे मैंने दो तीन ड्रामे मैंने स्टेज के कर लिए थे। तो अब मैं वहाँ से पहुँचा ABC, ये उसके बाद की बात है कि अखबार में पढ़ा कि जी ड्रामा बन रहा है, जावेद फाजिल कर रहे हैं। हम पहुँचे वहाँ तो रूज नासिर की वालदा मोहतरमा ने, मैडम तस्नीम अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उन्होंने बड़ी मोहब्बत से डील किया, चाय भी पिलाई, और उन्होंने मुझे एक जगह पर भेज दिया कि यहाँ चले जाए फला जगह। मैं गया वहाँ तो वह जावेद फाजिल साहब और अनू भाई अनवर जो है उनके असिस्टेंट तो वो बैठे हुए थे, तो उन्होंने देखा तो सबको भेज दिया लड़कों को, और अनवर अजीज साहब ने कहा कि ये लड़का करेगा वो रोल। अच्छा जब वो सारे लड़के चले गए तो उन्होंने मुझे लाइन दी, तो वो लाइन बड़ी छोटी सी थी, हम बनने गए थे एक्टर, तो मैंने ऐसे कि मैंने कहा जी ये लाइन तो मैं नहीं बोलूँगा, मैं तो कोई रोल करने के लिए आया हूँ जिसके अंदर मैं नजर लीडिंग रोल, हाँ नहीं लीडिंग नहीं लेकिन मैं नजर ठीक लीडिंग अपीयरेंस वाला अपीयरेंस। अच्छा ये वो ड्रामा था जो फैसल कुरैशी का पहला सीरियल था, वहीं से उसकी मेरी दोस्ती हुई थी। अब वो जावेद फाजिल साहब आया, उन्होंने आके पूछा हाँ भाई क्या हुआ अनवर? उन्होंने कहा सर जी वो सारे लड़के मैंने भेज दिए और ये लड़का कह रहा है मैं ये दो लाइनें नहीं बोलूँगा। अब वो मुझे ऐसे चाय पी रहे, मुझे देख के कहते अबे तू सलीम शेख है क्यों नहीं बोलेगा तू? मैं कहा नहीं जी मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये दो लाइनें करने नहीं आया। अच्छा किसी लड़के को बुलाओ अनवर और इसको नदीम के रोल में डालो, देखते हो ये कितना खड़पैंज है। अच्छा हाँ, और मैंने इसमें से गालियां हजफ कर दी हैं। आई नो वो बड़ा दबदबा था उनका, बड़ा रोल अब्यूज किया था उसने, वो चले गए। अब जब वो रोल शुरू हुआ तो उन्होंने मुझे बुला लिया। अब पहला दिन शूटिंग का सीन ये हो रहा है कि पुलिस वाले फैसल कुरैशी को अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं, और हम दोस्त हैं उसके, और हम अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं। उसकी पूरी फैमिली सीमी जैदी, मारिया वास्ती, राशिद महमूद, खालिद भट्ट साहब, ये सारे खड़े हैं कोठी के बाहर, और एकदम से एक तरफ से फायर होता है और वो ताली जाता है फायर, वो गिरता है वो, और हमारी मुझे नहीं पता फायर ताली, वो खैर हमने उसको सिंक्रोनाइज कर लिया। अब वो गिर पड़ा। अब सीन ये था कि हम भाग के आएंगे और खालिद भट्ट साहब मुझे कहेंगे कि नदीम पानी लेकर आओ, और मैं चला जाऊंगा। अब जब हुआ सारा हुआ, प्रेयर रिहर्सल हुई, एक दो दफा हमने गलती की, हम बुढ़े ही नहीं टाइम पे, लेकिन जब वो सारी चीजें
सही होगी और हम उसके पास आ गए हैं कि वो फैसल मैशी गिरा हुआ सीमी जैदी मारिया वास्ती और ये सारे खड़े हुए हैं, तो मैं भी देख रहा हूँ कि क्या हुआ इसको। तो खालिद भट्ट साहब मुझे कहा नदीम पानी लेकर आओ, तो मैं ऐसे करके देख रहा हूँ, कह रहे नदीम पानी लेकर आओ, मैं ऐसे करके देख रहा हूँ ओए तू है नदीम तू है क्योंकि पहला शॉट था और मेरा नाम इतारिफी है, इतारिफी है। तो ये वाले मामला भी हमारे साथ हुए, पास भी शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता आते रहे। तो ये ड्रामा मजदार था, उसके बाद हमने पिटवी जाना शुरू कर दिया, जैसे तैसे पिटवी के अंदर जाने लग गए। उस वक्त हमारा ख्याल था कि हमें शायद ना काम मिल जाएगा, क्योंकि खूबसूरत हूँ, ट्रेंड एक्टर हूँ, काम नहीं मिला। लेकिन मैं रफ़ी पीर थिएटर के साथ थिएटर करता रहा, उनके साथ चार बार इंडिया भी गया, और मैं चाहता था मैं पहचाना जाऊँ, लोग मेरे साथ मेरे से ऑटोग्राफ ले। उस वक्त ऑटोग्राफ हो पहचान बनी, आज सेल्फी है। एक दिन इशफाक साहब से मुलाकात हो गई, जाविया की रिकॉर्डिंग, खैर जाविया तो नहीं शुरू हुआ था, उस वो किसी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग पे आए हुए थे, और हमने उनके पीछे लग गया। अब लगा इसलिए था कि एक तो मैंने उनका एक प्रोग्राम सुना था, तो मुझे लगा था कि नहीं यार इशफाक साहब को ना थोड़ा सा अकीदा दुरुस्त करने की ज़रूरत है, तो मेरा ख्याल था कि शायद मैं इनको बता सकूंगा कि मिल के बता सकूंगा, कम्युनिकेट कर सकूंगा, सर आप ऐसे नहीं अच्छे कर ले। अच्छा सॉरी। दूसरा ये कि जब मैं उनसे मिला तो वो इतनी मोहब्बत और मतानत से मिले कि मैं खुश हो गया, मुझे लगा कि यार ये तो बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा एहतराम करते हैं बंदे का। और तीसरी वजह यह थी कि मुझे लगता था कि इशफाक साहब किसी को कह देंगे प्रोड्यूसर को तो मुझे काम मिल जाएगा अपनी गर्ज, लेकिन वो गर्ज कहीं पीछे रह गई, मुझे आदत होती चली गई इशफाक साहब की। फिर जाविया शुरू हो गया, आज़म खुर्शीद साहब ने शुरू किया था, मरहूम अल्लाह उनको जन्म नसीब करे, वहाँ से बाबा जी। तो फिर बाबा जी ने जब कहा ना कि तू लिखा कर, तो पहले तो मुझे बड़ी बुरी बात लगी कि यार मैं आया हूँ एक्टिंग करने के लिए, ये मुझे कह रहे लिख। उस तो मुश्किल कम दस रहे ने। नहीं मुश्किल मेरे लिए तो नहीं था, क्योंकि मैं मेरा ख्याल है कहीं मेरे अंदर शख्सियत में था, मैं अपने बचपन में खत लिखता था, तो वो छोटी कॉपी मिलती थी। अच्छा। एक रुपए की आठ नहीं, क्या लव लेटर लिखते थे ना अपनी फूफो को या चाचा को? लेटर ही लेटर लिखना, तो पहले समय में लिखना प्यारी फूफो और आखिर में लिखना आपका मक्खन भतीजा इफ्तिखार थी। ठीक है अलगर्ज। तो हाँ तो वो जो है ना लिखने की प्रैक्टिस तो थी, और इतफाक से बड़ी अर्ली एज में बहुत सारी किताबें पढ़ ली थी, लाइब्रेरी थी घर में। इशफाक साहब को भी लगा कि मुझे लिखना चाहिए, और एट द सेम टाइम डॉक्टर अनवर सजाद साहब इन दोनों ने मुझे फिर राग़िब किया लिखने की तरफ। अच्छा जब मैंने पहला ड्रामा लिखा काशिम निसार ने वो किया था, तो मुझे 5 या 6 हज़ार रुपये मिले। जब 6 हज़ार रुपये मिले तो मैं कहूँ इतने तो पैसे आते हैं, तब एक गरीब आदमी को और क्या 6000 मिल जाए उसको बंदे को, जिसके बाद 600 की मीन ना हो। 300 रुपए का चेक बनता था जाविया का, वो भी जिसमें हम बैठते थे उसमें। तो मैंने कहा यार ये तो ठीक है, अब क्योंकि गुर्बत मिटानी थी, तो फिर एक्टर का गला दबा दिया कमाली का, आने वाले कमाली का, और मैं लिखने लगा। तो माश आपने कहा पहले घर का मामला सेट हो जाए, दूसरी से। तो वो जब लिखना शुरू किया तो अल्लाह का शुक्र है बड़े पैसे कमाए, बड़ी इज्जत कमाई, साथ साथ कभी कभी कोई रोल ऑफर होता था वो मैं कर लेता था। उसी में कमाली आया, उसी के अंदर ये जो राजा प्लसर में हिट हुआ ये आया, तो अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी, एहतराम मिला। एक सवाल जो है वो जो आपने किया कि कौन है इफ्तिखारिफी, मुझे अभी खुद भी नहीं पता, मैं उसकी खोज में हूँ कि वो कौन है, लेकिन एक रुख उसका मुझे समझ आया कि वो एक बाप है जिसने बच्चे पालने होते और हलाल से पालने होते, तो ज़िंदगी में कभी ऐसे कर ही नहीं सका, मतलब हिम्मत ही नहीं पड़ी कि ऐसे कर दूं। तो शोबिज में नागन जब मैंने लिखा तो वो 1,11,00,000 में लिखा था, मैंने 17 या 18 में कंप्लीट हो गया था, उसके बाद काम नहीं मिला, तो जो जमा पूंजी थी वो खर्च करनी शुरू कर दी, एक दो प्लॉट थे वो बेच दिए। फिर मुझे आके इतफाक से जब बिल्कुल फाकों वाला सीन होने लगा था, और ये कमाली आया, ये किया राजा प्लस्तर, दोनों एक ही वक्त में रिकॉर्ड हो रहे थे, राजा प्लस्तर चला बाद में, तो
चले फिर अब छोड़ देते हैं, 5 साल इन्होंने काम नहीं दिया तो मैंने कहा जी मैंने शोबिज़ छोड़ दिया। तो कोई खास वजह था काम ना मिलने की? क्या आप उनके मियार के ऊपर पूरा, यानी कि क्योंकि आप में मैंने देखा है कि आपकी शख्सियत में यानी कि एक दरवेश भी है, सादगी भी है, तो हमारे जो मीडिया मूवमेंट में देखता हूँ अपने शो बिज स्टार्स को, उससे आप यानी कि मिसमैच है थोड़ा सा, कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी तजाद जिसको कहते हैं, ठीक है, क्या ये वजह थी या आप उनकी डिमांड्स पूरी नहीं कर पा रहे थे? आपने समझा कि नहीं यार मैं गैर मियारी शख्सियत का आदमी, गैर मियारी लिखने वाला, गैर मियारी अदाकारी करने वाला, तो मुझे सही निकाला हूँ। तो 5 साल के बाद भी मैंने भी कहा इनको छोड़ दे दो, तो मैंने अब मेरा टाइम है, अब मैं डिसीजन लूंगा मुझे क्या करना है क्या नहीं। इतार साहब फिर मैं वहीं पर आऊँगा, थोड़ा सा पीछे चलता हूँ, ये सफ़र आसान तो नहीं है जिनको आपने बहुत सारे सादे से अल्फाजों में बता दिया। इफ्तिखार इफ्फी साहब ने कुछ रातें ऐसी भी तो देखी होंगी जिसमें शायद वो अल्लाह ताला से शिकवा भी हुआ हो और शायद घर वालों के ताने भी हो और शायद बीवी बच्चों को भी देखते हों कि इसका फ्यूचर क्या होगा अगर लिखारी की पाकिस्तान में, क्योंकि मैंने जब खलीलुर्रहमान कमर साहब का भी इंटरव्यू जब किया तो जब लिखारी की बात आई ना तो उन्होंने कहा बदकिस्मती से शाहिद साहब पाकिस्तान में राइटर की इज्जत नहीं है लिखने वाले की, यहाँ पर दूसरे लोगों की इज्जत है, गाने वालों की, बजाने वालों, लिखने वालों की इज्जत नहीं है। लेकिन जब आप लिखने वाले की इज्जत नहीं ना करेंगे तो आपके मुंह पर वो तमाचा पड़ेगा कि आपकी सोसाइटी बदल जाएगी, बात हकीकत भी है। तो कभी ऐसा ऐसी रातें भी आई कि भी सोचा या अल्लाह मैं कहाँ पर, मेरे साथ क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, ऐसी बेताशा रातें आई, बेताशा जब आप ख्वाब देखते हैं और टूट जाते हैं, ख्वाब देखते हैं टूट जाते हैं, आप टारगेट करते हैं कि एक साल में मैं ऐसे करूँगा और वो नहीं हो पाता। मैं आज इसको देखिए, जब आप पहाड़ चढ़ रहे होते हैं ना, बड़ा सांस फूलता है, आप रुकते हैं, सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, पसीना साफ करते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिर रुकते हैं, वो पहाड़ चढ़ने का अमल बड़ा तकलीफ दे होता है। लेकिन जब आप पहाड़ की चोटी पर पहुँच जाते हैं ना तो वो सारे सफ़र की थकान दूर हो जाती है, अब दूर हो जाती है, क्यों, अब आप वहाँ पहुँच गए जहाँ आपने पहुँचना था। तो जिस तरह आज लोग मिलते हैं, मैं बड़ा हैरान हूँ, आज मुझे जब लोग कहते हैं ना कि सेल्फी बनानी, अभी मैंने गाड़ी खड़ी की बाहर, तो जब मैं दोबारा लेने के लिए गया ना कि आपकी गली में ले आऊँ, तो वो सामने जो दो साहब बैठे थे उन्होंने मुझे कहा पाजी कार लाभ गया, मैं कहा खलोती रहते कोई गल नहीं देख रहे हैं, मैं कहा नहीं सर रिस्पेक्ट है इज्जत, वो ये देखिए ये। और जब उसने मुझे ये कहा तब मुझे याद है कि वो यार यही चाहते थे आप उस वक्त, जब चाहता था तब नहीं मिला, जब छोड़ दी ख्वाहिश खत्म हो गई बेचाने जाने की, अल्लाह की कसम से शुरू हो गया। तो पेशवाक साहब की वो बात याद नहीं आई आपको? बाबा जी शिवाक साहब ने एक दफा मुझे कहा था कि काका तुम्हें भागना नहीं है, तू लगा रहे, एक वक्त आएगा कि लोग तुझे पहचानेंगे, तेरे पास गाड़ी होगी, तेरे पास पैसे होंगे, तेरे पास इज्जत होगी, लोग ऑटोग्राफ लेंगे, और उस वक्त परियां आएंगी तेरा रास्ता खोटी करने के लिए, उनके पीछे ना चल पड़ना। तो मैं समझता था बाबा जी ना तो दरअसल मैं यहाँ दो बातें कहूंगा कि एक तो ये कि किसी भी चीज का शॉर्टकट नहीं है, ठीक है, तसलसल का नाम है, कामयाबी भी तसलसल का नाम है, लेकिन इसके अंदर खुशी गमी धूप छाओ कामयाबी है। हाँ नहीं वो देखें कामयाबी क्या है, मेरे नजदीक तो कामयाबी है ही नहीं, कि एक बाप के नजदीक तो ये कामयाबी है कि माना उसके खर्चे पूरे हो जाए, घर का किचन चल जाए इज्जत के साथ। मेरे नजदीक कामयाबी दरअसल ये है ही नहीं, मेरे नजदीक कामयाबी है कि अल्लाह का बंदा मुझसे नाराज ना हो। आपकी कॉल आई, मैंने आपसे ये भी नहीं पूछा कितने सब्सक्राइबर है, मैंने आपसे कोई डिमांड नहीं की, मैंने ये जरूर कहा कि यार परफ्यूम मत लगाइएगा, मुझे सांस की प्रॉब्लम है, वो मेरी प्रॉब्लम है, मुझे बता दें, मैंने आपसे अभी तक आपके बारे में नहीं पूछा। साहब ये एक बहुत बड़े इंसान की बात होती है, आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत है, दरवेशाना मैंने जिसको एक बोला, और आप वो जिस तरह मेरे इंट्रोडक्शन में मैंने आपका तारुफ कराया कि आजकल के दौर में अगर इशफाक अहमद साहब की फिलासफी को कोई लेकर चल रहा है तो वो इफ्तिखारिफी है, तो ये बात गलत नहीं है। नहीं इशफाक साहब, यहाँ मैं कर्ज करना चाहूँगा कि इशफाक साहब के जो रूहानी जानशीन है
वो है असीर अहमद खान साहब, उनके छोटे बेटे, वो अपनी जगह पर है। हाँ, तो मैं ये गुजारिश करूंगा आपसे भी और आपसे भी देखने वालों से कि आपने अगर इशफाक साहब के बारे में कुछ जानना हो बड़ा बेहतर, मुझसे बेहतर, तो असीर अहमद खान साहब से आप रब्ता कीजिए। ठीक है, चलिए, ये भी अच्छी बात है आपने बताई है। तहर साहब, इशफाक साहब की बात हो रही थी, इशफाक साहब की मैं अगर तारीफ भी करना चाहूँ ना तो मैं समझता हूँ कि हम इस काबिल भी नहीं हैं कि वो अपने दौर के बहुत बड़ी शख्सियत, आप तो बहुत उनके करीब रहे हैं, बानो आपा के और इशफाक साहब के, इतने से शॉर्ट टाइम में कोई एक चीज़ बताइए जो आजकल के दौरे हाजिर में अगर आने वाली नस्लों को हम देना चाहें इशफाक साहब के रेफरेंस से, तो आपने उनकी शख्सियत से क्या अख़ज किया? देखिए जी, सबसे पहले एक हकीम जो होता है वो चीज़ों को जब खरल करता है ना तो पीस के रख देता है, तो बाबे भी खरल कर देते हैं, लेकिन बाबा एक कलईगर होता है। आपने देखा जब हमारे घर में पेंट वाले आते हैं तो हमारा घर कितना गंदा हुआ होता है, और वो गंदे मंदे कपड़े पहन के आता है, अंदर घुसता है, और उसके बाद जब बाहर निकलता है ना तो आपका घर चमका के चला जाता है। तो एक बाबा जो है वो कलईगर होता है जो आपके अंदर की सारे गंद को साफ कर देता है। तो या जैसे बर्तन कली कली पहले होते थे, उसी की बाबो में वही आ रहा था कि वो बर्तनों वाले कलईगर भी होते हैं। इसी तरह बाबा जी इशफाक साहब और बानो कुसी आपा के पास जो लोग बैठते थे, मेरी बात इसलिए पहुंच जाती है कि मैं शोबिज में हूँ, नहीं तो वहाँ आने वाले तो बेताशा ऐसे हैं जो फैजियाब हुए वहाँ से, तो वो अंदर से मांझ देते हैं, वो आपको जीना सिखा देते हैं। हाँ, इस कैसे यानी मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले वो आपकी तालीम करते हैं कि यार तूने ना अपने नफ्स की नफ़ी करनी है, और नफ्स की नफ़ी में सबसे पहले तो गुस्सा कंट्रोल कर, यानी मुका, फिर अपने तकब्बुर की सीढ़ी से नीचे आ, और फिर मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ सामने वाले की तारीफ कर। तो आप इंसान बन गए फिर सब बेहतरीन। अब जो ये कर जाते हैं वो पार हो जाते हैं, जो नहीं कर पाते वो फिर वो जाने उनका, अल्लाह जाने। मुझे ये समझ आ गई है कि मैं बुरे को ढूंढन निकला, बुरा मिला ना कोई, जब मैं झांका आपने अंदर, भगत कबीर ने कहा था ना मुझसे बुरा ना कोई, तो मैं सबसे बुरा हूँ, जब मैं सबसे बुरा हूँ तो मैं तो मुकाबले से बाहर हो गया ना। मुझे अब आप अपनी गाड़ी आपकी गाड़ी के मुकाबले में नहीं लानी, मुझे अपनी शोहरत आपके मुकाबले में नहीं लानी, मुझे अपनी राइटिंग आपके मुकाबले में नहीं लानी, आपको मेरा मुकाबला खत्म हो गया। तो ये जो बुनियादी दो तीन चीजें सिखाते हैं ना बाबे, और ये बड़े तरीके से, मैं अच्छा बाबा तो इसलिए हम कहते हैं कि एक बुजुर्ग की हैसियत से, ये कोई ऐसी बात नहीं है कोई पीर या ऐसी कोई चीज नहीं है, एक इज्जत के एतबार से, इज्जत के एतबार से दरवेशाना तरीके से पहले हम कहते हैं पीर जी, पीर जी खलीफा जी कितने चल रहे हो आप, इसको ऐसे समझ लें। लेकिन मैंने इशफाक साहब से एक दफा पूछा कि बाबा क्या होता है, वो कहते यार बाबा होता है आसानी पैदा करने वाला, वाह, आसानी तकसीम करने वाला, छोटा बाबा छोटी आसानी, बड़ा बाबा बड़ी आसानी, और ये बाबे आपके घर में भी हैं, सबसे पहले आपके वालदैन हैं, फिर आपकी बीवी है जो बेचारी रोटी पकाती है, कपड़े धोती है, क्या क्या करती है, आप उसका सिर्फ एहतराम कर लें इस बात पे और एतराफ कर लें तो वो बाबा है। फिर आपका जो ड्राइवर है वो भी बाबा है बेचारा, वो सारा दिन गाड़ी में सोता है गाड़ी में, फिर वो जो वैन वाला आपके बच्चे लेके जाता है, जो तो जो 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 आसानियां पैदा करते जा रहे हैं सारे बाबे हैं। तो मींस आसानी पैदा करने का नाम, ये तो हमारे दीन में भी है ना जी, करनी भी चाहिए। आपको इशफाक साहब को उनके घराने से क्या फैज मिला? मैंने बता दिया यही चीज, यही सबसे ज्यादा मिली, नहीं तो मैं इसी को आपने यानी कि अपनी जमा पूंजी बना, सबकी है सर, सब देखिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में माफी और दरगुजर का अमल कितना ज्यादा है, मतलब आका की जाते ग्रामी से मुंसलिक जितनी जारियत है या जो कुछ हुआ आका करीम ने सबको माफ कर दिया। बिल्कुल अच्छा, लेकिन जब कोई शख्स अपना मुकदमा लेकर आया था फिर सरकार ने इंसाफ फरमाया, तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि इफ्तिखार फिर तू तो माफ करना शुरू करना कहीं से, तो ये लगे कि आका करीम का मानने वाला है। उसके लिए मुझे मुस्कुरा के बात करनी है, बर्दाश्त करनी है, किसी ने कुछ कह, लोग कह देते हैं गुस्से में होते हैं, डिप्रेशन, प्यार भी करते हैं ना लोग, उतना प्यार भी तो करते हैं ना, अगर बैलेंस करें तो शायद प्यार करने वाले ज्यादा है, थोड़ा सा मुखालफत तो हर जगह हर जगह। इफ्तिखार भाई ये बताइएगा कि आप लोगों के घरों में और लोगों के दिलों तक जो पहुंचे हैं, आई थिंक वो कमाली का कमाल हुआ है और परिजात का, उसके बाद तो इफ्तिखार साहब हाथ नहीं आए।
फिर तो वो 36 मुल्कों तक भी पहुंच गए आप, ठीक है ना, और ये सफर जारी है अभी तक, जैसे ख्वाबों का ये सफर जारी है। तो वही आपकी कामयाबी का मैं असल जरिया कहूंगा, वो कमाली वाला करेक्टर के भी इससे पहले भी पहुंचे हुए थे आप। नहीं, इसको हम थोड़ा सा और तरह से मैं देखता हूं। ओके, देखिए मैं 30 साल से एक्टिंग कर रहा हूं, ठीक है, मेरे काफी करेक्टर हिट हुए, खालदा की वालदा भी हिट था, एक कब्जा ड्रामा हिट था, एक किसी अपना गेम में लाला करेक्टर था वो हिट था, फिर एक इंकार ड्रामा था हम टीवी का उसके अंदर, लेकिन बड़ी ज्यादा तो शायद ग्लैमरस था इतना मैंने बता तो का एक ये सिलसिला चल रहा था, ठीक है। 2017 में मेरी पहली पोएम हिट हुई, मैं लोगों से मोहब्बत में अनाए छोड़ देता हूँ, वफाएं याद रखता हूँ जफाएं छोड़ देता हूँ, वो हिट हो गई। अच्छा, उसके बाद 2020 के अंदर मैंने व्लॉगिंग शुरू कर दी, और जेन सिर्फ ये था कि लोगों को मैं कोरोना से निकालता हूँ, ठीक है, कोरोना की बात नहीं करता था मैं। अच्छा, वो कोरोना के दरमियान फिर ये शुरू हुआ, उसके बाद आ गया कमाली, फिर वाकई क्योंकि छोटे 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 जो देखे, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप कभी इस्लामाबाद का सफर करें मोटरवे से, जब आप टांगपुरा क्रॉस करते हैं ना, तो जो पहले लेफ्ट साइड पे बोर्ड पे आपकी नजर टिकती है ना, वहां लिखा होता है कि आपने 90 किलोमीटर सफर कर लिया है और 270 किलोमीटर इस्लामाबाद बाकी है। क्या वजह है, वो इसमें सारे बोर्ड जो पहले आए थे वो क्यों नजर नहीं आए, वो बोर्ड आ रहे होते हैं, आपकी नजर उसको पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, चलता रहता है, लेकिन 100 किलोमीटर बाद या 70 किलोमीटर बाद या 125 किलोमीटर के बाद आपको पहला प्रॉपर बोर्ड नजर आता है। तो मेरे इससे पहले जितने भी वो ड्रामे थे वो सारे वो बोर्ड थे जो आप देख नहीं पा रहे थे। ओके, ओके, अब आपकी नजर पड़ी है कमाली। अच्छा, कमाली इतना हिट हो गया कि हालांकि वो करेक्टर जो मैं मोहब्बत भरी बातें करता हूँ या मेरी शायरी बड़ी है, एक साल में इससे लड़ा, फिर कमाली जीत गया, मैं चुप करके बह गया, मैं कहा बल्ला चाहेगा तो कमाली नीचे चला जाएगा, व्लॉगर ऊपर आ जाएगा, नहीं भी आया तो जब आप बाहर जाते हैं, बाहर के लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी वैसे बड़े क्रेजी होते हैं अपने स्टार्स के हवाले से, तो वहां से कोई कमाली करके आवाज आती होगी तो आपको बड़ा सरप्राइज होगा। आती है आवाज, बहुत कम है जो ये कहते हैं कि आपकी शायरी पसंद है और कुछ तादाद है जो मेरे व्लॉग्स पसंद करती है, लेकिन अच्छा अच्छी बात ये हुई कि कमाली की पहचान है, और जब वो व्लॉग देखते कहते यार कितनी चंगी गल्लां करता है। हाँ, कमाली च रोल की कीता थे इथे, यानी कि और उसमें मैं देखा थोड़ा मिस्टीरियस किस्म का रोल भी, यार जायज नाजायज काम दोनों करते रहे, गल्लां करते रहे उसके। हां, और वही उसकी खूबसूरती थी जो उसको हिट करा गई, हिट करा गई है, कहीं पे रोकते भी थे अपने आप बहुत। अच्छा इफ्तिहार साहब, आज का इफ्तिहार उस्मानी कहाँ खड़ा है, आज 2024 में इफ्तिहार उस्मानी कहाँ खड़ा है और आगे क्या देखता है? देखिए, मैंने 2008 में एक फैसला किया था कि या अल्लाह मैं बंदे के दर पे नहीं जाऊंगा, और दुआ की थी ये पूरी रात रमजान की। अच्छा, वो लगता नहीं यकीनन वो दुआ कबूल हुई है, जो इतनी इज्जतें, इतनी राहतें, इतनी आसानियां, इतनी आसानियां पैदा हो गई, वो उस वक्त से वहीं खड़ा हुआ है और अल्लाह के दर पे रहना चाहता है और वहीं से मांगना चाहता है और वहीं से लेना चाहता है। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि अगर मैं इसी तरह चलता रहा, मैंने अपनी ज़हनी कैफियत को ना बदला, अपने रवैये को ना बदला, इसमें लालच और धोखे का अंतर शामिल ना किया, तो मेरा ख्याल है जिस दिन मुझे कब्र में भी उतारेंगे ये ऐसे ही आसूदा होगा, ऐसे ही बाइज्जत होगा और ऐसे ही इसको लोग एहतराम से देखेंगे, और मैं यहीं खड़ा रहना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक इफ्तिहार साहब, वो जो महरूमियाँ थी ज़िंदगी की जिसका आपने अक्सर औकात जिक्र किया मेरे इंटरव्यू में भी और भी जगहों पर, वो महरूमियाँ अगर मैं कहूँ तो वो ख़त्म हो चुकी, ख्वाहिशात पूरी हो गई? नहीं, देखिए मैं बड़ा अजीब आदमी, शायद लोग ना माने, मेरे पास ख्वाहिश नहीं है, कुछ तो होगी नहीं है, ये भी तो ख्वाहिश थी मैं मशहूर हो जाऊँ, वो उस वक्त वो ख़त्म हो गई थी ना, वही तो बता रहा हूँ। हाँ। जब मैंने एक्टर का गला घोट दिया तो फिर अल्लाह ताला ने कमाली आसान कर दिया, स्क्रीन से हिट करा दिया। हाँ। जब मैं छोड़ चुका हूँ। हाँ। और मैं पाकिस्तान का वो वाहिद एक्टर हूँ जो सबसे कम एक्सपोज हुआ है,
या लोगों ने आपसे काम नहीं लिया, ये कह सकते हैं? नहीं, कास्टिंग नहीं करते थे। कास्टिंग किया ना, तो जब किया मैंने कभी इनकार नहीं किया। मेरे पास तो कभी भी ऐसा मरहला नहीं आया कि मेरे पास दो सीरियल हो जिसमें कहूँ कि मैंने ये छोड़ना ये करना है, कभी भी नहीं हुआ। मैं तो वो बंदा हूँ जिसको, मैं फकीर हूँ जिसके कासे में जिसने सिक्का डाला उसने ले लिया, वापस नहीं किया। तो ऐसा हरगिज नहीं है कि मुझे ऑफर हुई और मैंने इनकार कर दिया हो। वो तो ना शुक्री भी है, मैंने कभी भी नहीं किया सर, मुझे ऑफर ही नहीं। तो आज का जो इफ्तिहार उस्मानी है उसको हम एक वीलॉगर कह सकते हैं जी, बिल्कुल। एक हम राइटर कह सकते हैं और एक पॉइंट कह सकते हैं। दरअसल मेरी वीलॉगिंग लॉगिंग के पीछे जो मकसद है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने देखा होगा कि मैं जब आपको क्या कहते हैं ओमान का कोई महल दिखा रहा होता हूँ या मैं आपको फ्रांस का पैलेस दिखा रहा होता हूँ, तो मैं एक बात हमेशा करता हूँ उसके अंदर, और वही उस बात का सत्य होता है कि मैं जब कहता हूँ ना कि, और मैं दिल से कहता हूँ, इतने इतने बड़े महलात हैं, बनाने वाला नहीं है कोई बात, अब्बा मुलायजा होशियार का प्रोटोकॉल बोलने वाला नहीं है। और मजे की बात यह है कि कोई दावेदार भी नहीं है कि जी मेरा दादा सी परदादा सी, महल रह गए मकीन नहीं है, तो जो था अजल से वही अब तक रहेगा। तो फिर वहां जाके अपनी औकात समझ आती कि यार हम क्या है, क्या है। तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि यार देखो अगर तुम जुल्म करना चाहते हो ना तो फिर चंगेज खान आगे चला जा चुका है, फिरौन वो माजी हो गया। हाँ, अगर तुम पैसा कमाना चाहते हो तो फिर कारून के खजानों का जिक्र तो कुरान में है। अगर तुम जंगों की बात करते हो और जीतने की बात करते हो तो फिर अलेक्जेंडर और अशोका की तारीख आपके सामने है। और अगर तुम इंसानों के लिए रहमत बनना चाहते हो फिर आकद हो जा सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत ग्रामी है। बिल्कुल है। तो काका तू किसी भी फील्ड के ना अखीर तो नहीं पहुंच सकता हूं। बिल्कुल सही। तो इसलिए इफ्तिखारी अपनी औकात में रह, वो कर जो तू कर सकता है जिससे तुझे राहत मिले और लोगों के लिए राहत भाई से राहत हो। तो मैं इसलिए कभी दौड़ नहीं लगाता। मैं आपको मजे की बताता हूँ, रात को मैं मूसा को छेड़ रहा था अपने बेटे को, तो मेरी एक वीडियो देख रहा था, मेरे एक दोस्त है पेरिस में ना मकसूद, क्या कहते हैं मकसूद साहब, उनके साथ मैं पेरिस से जा रहा था अभी पिछले इस टूर में 10 दिन पहले ना बेल्जियम। तो रात का टाइम था तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा जब मुझे पता नहीं था गाड़ी कौन सी है, तो कहा मैंने कहा जब स्टॉप पे रुके तो मैंने देखा था कि वहाँ वो पोर्शे थी, तो मैंने कहा यार अच्छा ये पोर्शे है। तो कह रहा बाबा मैं आपकी वो देखता रहता हूँ, आप बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पाकिस्तान से बाहर घूमते हैं। मैंने कहा हाँ यार मैंने अपनी सारी गाड़ियाँ पाकिस्तान से बाहर रखी हुई हैं, पोर्शे मर्सिडीज और रोल्स-रॉयस वगैरह। कहता है यहाँ तो आपने 2008 मॉडल रखी ये सिटी। मैं कहा इसलिए रखी ना, कुछ रीड मार देता है कुछ शीशा तोड़ देता है, तो मैंने अपनी महंगी गाड़ी, मैं मजाक कर रहा हूं। आप सोचे कि मेरी औकात ये है कि मेरे पास एक 8 मॉडल सेकंड हैंड गाड़ी है, मैं 4 मरले के एक घर में रहता हूँ अपने अब्बा के, जहाँ नीचे अम्मी और भाई, मेरा भाई उसकी फैमिली रहते हैं, ऊपर के 2 कमरों में रहता हूँ और 2020 तक मैं एक कमरे में रहता था। तो मैं जब आप पढ़ता लगाएंगे तो आपको समझ आएगी मैं अमीर आदमी नहीं हूँ, मैं मशहूर आदमी हूँ, मुझे अल्लाह ने इज्जत बड़ी दी है और मैं उस जात का और तमाम देखने वालों को बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो मुझ कमीने से मोहब्बत करते हैं, मेरे लिए काफ़ी है। मैं वो बंदा हूँ जो आधी रोटी में इज्जत के साथ पेट भरने वाला है, बजाय इसके कि कोई ये कहे ए मटन है का ले मर खा, मैं तो नहीं खा सकता यार। इसलिए देखें ये तो मेरी जिद ठीक है ना कि मैं ऐसे नहीं करूंगा, वो तो अल्लाह के साथ अल्लाह का मामला है ना, अल्लाह ताला तो वो तो बेनियाज है ना। हाँ। लेकिन जो टारगेट है वो सिर्फ यही है कि अल्लाह के बंदों के लिए किसी तरह इखलाकी तौर पर भी आसानी पैदा कर सके, किसी को सड़क पार करवा सकते हैं आप, किसी के लिए कोई छोटी सी आसानी बची लाइफ है और कुछ नहीं। तो इफ्तार साहब जरिया माश जैसे यूट्यूब का और फेसबुक से वो मेन आपका सोर्स ऑफ इनकम कहेंगे आप? वही है बस। वो अगर और साड़ी कड़ी पेंशन होती है आर्टिस्ट आदि तो पेंशन नहीं है, पाकिस्तान जैसे मुल्क में नहीं होती। लेकिन चले अच्छी बात है, अल्लाह ताला आपको और थे। इफ्तार साहब आपकी शख्सियत वाकई इतनी गहरी शख्सियत है कि इसके ऊपर ना एक नशिस्त में भी ना मुकम्मल नहीं हो सकती बातें, क्योंकि अभी तो मैंने आपा की और उनकी उस
उस्ताद मोहतरम इशफाक साहब का किस्सा ज्यादा छेड़ा ही नहीं है, अगर उसके ऊपर बात करें हम तो शायद राहत कह सकते। और फिर डॉक्टर अनवर सजाद का जब आपने नाम लिया है तो वो लोग हैं जिनके पास अब रात को ही बैठ जाना, जो सुबह के जाने होने लग पड़ती थी तो अब के लिए वो पता ही चलता है। ये तो वो लोग हैं, हीरे हैं हमारी इंडस्ट्री के। और बड़े नाम हैं जो अब नहीं हैं, जो शायद हम लोग भुला भी चुके हुए हैं। नहीं भुला नहीं चुके। देखिए डॉक्टर सजाद साहब का मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में जिक्र किया तो मुझे एक यूनिवर्सिटी में बच्चों ने पूछा वो कौन थे। खुदा की कसम मुझे बड़ा इंसाइक्लोपीडिया थे वो, बहुत बड़े। मेरा दिल दुखा, मैंने कहा यार, मैंने उसी दिन जाके सबसे पहले अपने बच्चों को अली और ईसा और मूसा को बिठाया, मैंने डॉक्टर सजाद साहब का प्रोफाइल दिखाया, उनके इंटरव्यूज दिखाए, मैंने कहा तुम पे फर्ज है सारे इंटरव्यूज देखो जो अवेलेबल थे कि यार तुम डॉक्टर सजाद को नहीं जानते, जिसने रगे संग लिखा तुम उसको नहीं जानते। कमाल लोग थे सर, लेजेंड थे ये। और उनकी डेथ भी बड़े ही बुरे उसमें हुई, अल्लाह माफ करे। आखिरी वक्त में मैं जब गया हूँ तो नीचे वाला एक पोर्शन था, एक बड़ी पोश आबादी में, और एक कमरे में जब मैंने दरवाज़ा खोला तो पैम्पर चेंज ना होने की वजह से शदीद ताफुन और बदबू थी, और वो शख्स जिसकी ग्रीस नहीं टूटती थी, जिसको हम पीटीवी में कभी पूछते थे कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं, हम खुशबू के पीछे जाया करते थे कि इस तब गए होंगे, इतना बड़ा लेजेंड यार, और गाड़ी भी नहीं थी उनके पास आखिरी वक्त। क्या जमीन खा गई आसमान कैसे कैसे हम बड़े हो। मुझे खलील साहब ने जुमला कहा, वो जो पहले आपने सुनाया, वो खलील भाई ठीक कहते हैं, किसी काम की बदनसीबी है कि उसका राइटर लिख रहा छोड़ दे। यस, उसका तरक्की नहीं करते बिल्कुल। और उसका आर्टिस्ट आकर ये कहे कि यार मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, बाकी सोचने फिक्र लंबी है। इफ्तार साहब, मैं दोबारा से यकीन मानेगा आपका शुक्रगुजार हूँ कि आज आप मेरे मेहमान थे। वही बात है कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपसे और बातें करूँ, क्योंकि आप की शख्सियत ही ऐसी है कि आपसे बातें की जाए, आपके ऊपर बुक्स लिखी जाए। शायद आप किसी और के पास होते, ये मुल्क आजाद होता, तो शायद आप कहाँ के कहाँ और होते। नहीं देखे जी, आपने इस पूरे इंटरव्यू में जितनी मेरी तारीफें की हैं मैं उसके काबिल नहीं हूँ। मैंने इंटरव्यू देने के लिए शर्त रखी थी कि आप मेरी तारीफ करेंगे, लेकिन आपने इतनी ज्यादा कर दी है तो अनुदरा एडिट कर देना। जो हकीकत मैंने वही बात की है, और बहुत कम लोग होते हैं, और ये ऑन द रिकॉर्ड बात मैं कह रहा हूँ कि आज मेरे लिए वाकई बहुत बड़ी बात है कि मैं एक सादा से इंसान आप जैसे इंसान से मिला हूँ। तो उम्मीद है कि ये ख्वाबों का सिलसिला जारी रहेगा। आपका मैं दोबारा से शुक्रगुजार। लेकिन जाने से पहले मैं आपके देखने वालों को अपना एक कलाम सुनाऊंगा। सर 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 वो हाजिर प्लीज। वो ये है कि जो खा के पत्थर दुआएं देगा वही रहेगा, जो खा के पत्थर दुआएं देगा वही रहेगा, हर एक नश्तर को जो सहेगा वही रहेगा, जो अपने हिस्से की सारी खुशियों को बांट देगा, जो गम जहां के समेट लेगा वही रहेगा, और जो अपनी मैं को संभाल रखेगा अपने दिल में वही रहेगा, जो अपनी मैं को संभाल रखेगा अपने दिल में, अना के केटू को सर करेगा वही रहेगा, अना के केटू को सर करेगा वही रहेगा, और शिकायतों को संभाल रखेगा अपने दिल में, शिकायतों को संभाल रखेगा अपने दिल में, जो सुन के आगे नहीं कहेगा वही रहेगा, जो खा के पत्थर दुआएं देगा वही रहेगा, हर एक नश्तर को जो सहेगा वही रहेगा वही रहेगा। इफ्तार साहब बहुत बहुत शुक्रिया, यकीन माने कि ये कैसा टाइम गुजरा पता भी नहीं चला, और मेरी इंशाल्लाह ये यकीन है कि ये सफ़र हमारा भी जारी रहेगा और ये आपका भी जारी रहेगा, इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। फिर भी जी नाज़रीन, आप देख रहे थे इफ्तार उस्मानी साहब कह लें या इफ्तार इफ़ी साहब कह लें, और दौरे हाजर के मैं कहूँगा कि बहुत बड़े इंसान हैं, और इनकी जितनी कदर की जाए कम है इन जैसे लोगों की। ये हमारे लेजेंड्स हैं और ये हमारे रियल स्टार्स हैं, ये पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है, जो दुनिया में खुद से पैसे लगा के जाते हैं और दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं, लोगों को दिखाते हैं और बताते हैं। इस उम्मीद के साथ मैं आपके साथ इजाज़त चाहूँगा कि इंशाल्लाह ताला अगले सफ़र में एक नए सितारे के साथ हम मिलेंगे,
और ख्वाबों का ये सिलसिला जो है ये जारी रहेगा। मुझे इजाज़त दीजिए, शाहिद मियाँ को पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सकें, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चल। अब्बा के पास इतने पैसे? अब्बा आपने घर क्यों बेच दिया? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहाँ घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए। घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे। मॉडल स्टील, आओ एक मजबूत घर बनाते हैं।